आपकी फैमिली की तरफ से एक बहुत ही सुंदर सा नगीना मिलने वाला है। पंडित जी आप ही बताइए, आप ही शुरू कर दीजिए एग्जैक्टली क्या है। देखिए 23 तारीख को हम लोग एक कॉन्सर्ट कर रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स जिन्होंने ओवर द इयर्स मेरी फिल्मों में गाने गाए हैं वो सब ओरिजिनल सिंगर्स जो हैं वो मेरे गाने गाएंगे जो ओवर द इयर्स आपने फिल्में जो देखी होगी, जो जीता वही सिकंदर, कुछ कुछ होता है और सरफरोश, गुलाम, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले, खामोशी, सो मेनी फिल्में। तो उनमें से हमने कुछ गाने चुने हैं क्योंकि सब तो कर नहीं सकते, मगर वो सब गाने हम परफॉर्म करेंगे जिसमें विजेता जी भी अपना गाना गाएंगी। जो जीता वही सिकंदर में जो मैंने गाना गाया जवा हो यारो, जवा हो यारो, ये तुमको हुआ क्या। हाँ, और भी गाने गाएंगी बट दिस इज वन ऑफ द सॉन्ग जिसमें इन्होंने खुद वोकल्स किए हैं। और बोथ माय सन्स रोहांश एंड अबीर, अबीर इज यंगर, दे आर गोइंग टू परफॉर्म आल्सो ऑन स्टेज, दे आर गोइंग टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स कीबोर्ड एंड गिटार एंड ही आल्सो प्लेस ड्रम्स। और रोहांश गाएंगे भी एक गाना मेरे साथ, वेरी टैलेंटेड चिल्ड्रन सो एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी इज गोइंग टू हैव अ वेरी ग्रेट टाइम बिकॉज़ ललित जतिन का जो म्यूजिक है, जतिन का, ललित का, वो जतिन ललित जतिन, इट हैज बीन वेरी ग्रेट म्यूजिक दे हैव गिवन एंड आप लोगों ने बहुत पसंद किया इनके संगीत को। और being not being a sister but I'm really telling you ki main ki bahut badi fan hu as a music director aur aap sabko bahut maza aayega, please aayega, they are, we are going to have a great time and aise show bahut kam hote hain jisme original gaane ho, original singers ho aur itna acha music ka orchestra ho and I'm sure it's going to be a very wonderful show। आपको ना लोगों ने देखकर भी उतना ही पसंद किया है और आवाज में भी, मुझे ये बताइए कभी वापस से इच्छा नहीं होती कि चलो कुछ अलग तरीके का रोल कर ले लेकिन कैमरा पर जरूर आ जाते हैं। आई मीन यू आर लुकिंग सो प्रीटी राइट नाउ, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बचपन से ही, आप लोग जानते हैं, आई वाज ऑलवेज वेरी कीन ऑन सिंगिंग, तो म्यूजिक तो मेरा पैशन ही रहा है लाइफ में, पर फिल्में भी मैंने की, लव स्टोरी, मोहब्बत, बहुत सारी फिल्में, तो आपने उसमें भी मुझे पसंद किया और मैंने मोहब्बतें तो अभी तक तो अभी कुछ सोचा नहीं है फिल्मों में आने का, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा रोल मिला तो आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू डू। आपसे पूछनी बुआ जी की आपको भेजना चाहिए ना बुआ जी को, बिल्कुल करना चाहिए, हम तो जब घर जाते हैं यही बोलते हैं बिकॉज वी आई एम वेरी क्लोज टू माय कजिन्स अमितेश एंड अनिमेश, तो कभी कभी वहाँ स्लीप ओवर हो जाता है उनके यहाँ, तो वी ऑल वेक अप एंड वी आर ऑल लुकिंग सो नॉट गुड एंड देयर वी गो इन द हॉल एंड देयर इज बुआ जी सिटिंग एज ब्यूटीफुल एज एवर, और यही ख्याल आता है कि नहीं आप यहाँ नहीं, आप स्क्रीन पे देखिए हम चार लोगों के साथ आप बैठे। बिल्कुल सेम जैसे रोहांच भैया ने बोला कि हम जब चार स्लीप ओवर के लिए आते हैं और जब उठते तो वी ऑल हैव आवर फेसेस, और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल बैठी है हॉल में एंड वी ऑल आर लाइक यू नीड टू गो टू द स्क्रीन्स बिकॉज़ दैट्स वेयर यू बिलोंग एंड शी इज जस्ट सो एलिगेंट एंड फ्लॉलेस व्हेन शी सेज दोस डायलॉग एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटी जस्ट एड्स फिल टू इट। सो अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में ना संगीत है, पंडित जस राजी से मैं मिली हूँ सर, घर में सभी लोग संगीत गा रहे हैं, मुझे बताइए अपने आप को कितना घुला मिला संगीत में पाते हैं और यू थिंक आप कुछ और भी हैं, कुछ और पसंद आता है आपको? आई थिंक संगीत इज इन अ ब्लड, आई थिंक म्यूजिक इज इन अ ब्लड एंड फ्रॉम व्हाट आई रिमेम्बर आई हैव ऑलवेज बीन अराउंड सच एन सॉरी हिंदी में बोल सकते हैं बट जब तक मुझे याद है मैं ये एनवायरमेंट में हमेशा से था। I remember dad making me play the piano when I couldn't remember. But just those small, small elements make you, groom you as the musician as you are. And speaking from a musician's point of view, musician से बात करता हूँ कि he is such a genius कि उनके साथ बैठ के उनके साथ जो वो chord structure बनाते हैं, जो उनके साथ एक flow होता है, वो देख के I feel very happy that I have the opportunity. इनके साथ बैठ सकता हूँ मैं और इनके साथ वो बातचीत हो सकती है। जानते तो नहीं मतलब पापा स्ट्रिक्ट हैं या एज अ एक्चुअली शिक्षक ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं? पापा परफेक्शनिस्ट है और उनकी वो चीज मैं लेने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रिक्ट तो नहीं है बट आई नो ही वांट्स इट परफेक्ट, वेरी
He needs whatever he wants, or agar aap is tarah se karte hain to he's happy, otherwise he gets angry. I think that's yeah. Yes. So, mujhe bataye, aaj third generation mein kya kya sakti hain aap ki jo music mein fir se naya yug tarike ka naya tarike ka yogdan dene wali hai. Actually, this kya is soch kar rahe hain generation mein bata. इतने दिग्गज कलाकारों की फैमिली में पैदा होना एक सौभाग्य की बात है, और इन्हें एक कलाकार के जैसे ही नहीं एक इंसान के नाते भी जाना है. मैंने मेरे डैड को, माय अंकल्स, माय आंट्स, माय ग्रैंडफादर पंडित जसराज जी, और बहुत सीखने मिला है. और बहुत खुशी की बात है कि म्यूजिकल फैमिली में पैदा हुए हम, बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि इन लोगों का जो भी करें इन लोगों का नाम रोशन रहे, और अपने काम के थ्रू ही हम हमेशा एक अच्छा और एक डिग्निफाइड वर्क करें. तो मुझे लगता है वही एक आई थिंक टू लिव अप टू द नेम ऑफ द फैमिली. यस, इस तरीके का म्यूजिक आज देने की इच्छा हो गई, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि एक दो साल बाद आप दोनों का नाम आने वाला है. जी बिल्कुल, हम वी बीन म्यूजिशियंस सिंस बर्थ. मुझे लगता है कि हमारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी बहुत हैं, और एक डैड के साथ रह के एक क्लासिकल म्यूजिक का भी एक स्ट्रॉन्ग बेस आई वुड लाइक टू बिलीव कल्टिवेट हो गया है, और उन दोनों का अमलगमेशन बना के मुझे लगता है हमारा जो म्यूजिक होगा. बट एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि वी बिलीव इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक, वी बिलीव इन रियल म्यूजिक, न्यू म्यूजिक. तो जितनी ही कोशिश रहेगी कि जो भी करे काम ओरिजिनल म्यूजिक दे, और अच्छा बुरा तो वो तो ऑडियंस के हाथ में होगा, दिल से काम करे. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. He belongs to a musical family, music runs in his blood, and वही हमारा जो संगीत परिवार से मिला है वही हमारा ट्रेजर है. सो वी विल डेफिनेटली वुड लाइक देम टू डू अ म्यूजिक एंड अ गुड म्यूजिक लाइक हिज फादर जतिन ललित. कुछ हीरो तो आपके घर में भी रखे हुए हैं? नहीं नहीं, वो भी होगा. मेरा बेटा अवितेश, he's coming as a actor. सिर्फ एक फ्राइडे उसकी फिल्म आ रही है विच इज कम्प्लीटेड एंड विल बी रिलीजिंग इन 3-4 months. तो देखिए, मेरा छोटा बेटा तो अभी he's not into the industry line, he's studying, he's just on his graduation, अभी वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहे. तो बस अभी ये शो जो जिस बारे में हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोग जरूर आइए. इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल नाइट, वेरी म्यूजिकल नाइट, एंड ऑल माय फेवरेट सॉन्ग्स आर गोइंग टू बी देयर. एंड जतिन ललित का म्यूजिक तो आप जानते ही हैं कि आई थिंक दे आर द लास्ट जनरेशन जिन्होंने आफ्टर पंचम का इतना अच्छा म्यूजिक दिया. उसके बाद तो मुझे म्यूजिक नजर ही नहीं आता कहीं. आज की फिल्मों में आप देखिए ना, आपको एक गाना याद नहीं रहेगा. और आज भी रेडियो सुनिए या कुछ भी सुनिए, उसमें जतिन ललित के गाने एवरग्रीन बजते हैं जैसे पंजम दा के बजते हैं. तो आई थिंक दे आर द लास्ट म्यूजिक डायरेक्टर विच आर माय फेवरेट, एंड दैट्स अ जेन्युइन एंड वेरी ऑनेस्ट स्टेटमेंट. सही बोलती हूँ, आई एम नॉट लाइंग. आप बताइए, आपको आज के संगीत में क्या कोई पसंद आता है? मतलब अपने बच्चों के अलावा, क्योंकि ये तो आने वाले दिन में है, लेकिन अभी कोई पसंद आ रहा है क्या? नहीं, मुझे गाने पसंद आते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल म्यूजिक है आजकल का, और बड़ा अच्छा करते हैं. जब कोई गाना निकल के आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, और मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है. और मेरे दोनों बेटे भी मुझे सुनाते हैं कि ये गाना सुनिए, ये बड़ा अच्छा किया है, ये प्रीतम का गाना है, शंकर का गाना है. तो आई फील वेरी हैप्पी कि यू नो दे आर लिसनिंग एंड दे आर गेटिंग इनटू द निटी-ग्रिटीज एंड डेप्थ ऑफ म्यूजिक. तो वो बड़ा मजा आता है मुझे, ये सुनिए आप, ये सुनिए. तो मैं सुनता भी हूँ ऐसी पति, मगर मुझे एक चीज लगती है कि पहले जैसा म्यूजिक पूरे पिक्चर का अच्छा म्यूजिक आता था, वो मुझे लगता है मिसिंग है अटेम्प्ट में. और मैं उसमें म्यूजिक डायरेक्टर को ब्लेम नहीं करूंगा. मैं जानता हूँ कि बहुत टैलेंटेड हमारे कंपोजर हैं, उनको क्रिएटिव फ्रीडम नहीं मिल रही है. मैं इसलिए ये कहूंगा क्योंकि मैं भी काम कर रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं, आप कंप्लीटेड 25 फिल्म्स इंडिपेंडेंटली आपसे जतनी होगी. सो इनफैक्ट मैंने एक जगह कहीं बोल गया था तो ये बात इतनी प्रेस में आ गई कि 25 एक्चुअली 27 फिल्में हो गई मेरी, बट 25 इज अ स्मॉल लैंडमार्क. तो मुझे, मैं जब काम करता तो मुझे भी लगता है कि वो पहले जो फ्रीडम था कंपोज करने का, जो बात मान जाते थे डायरेक्टर्स की, नहीं ये मेलोडी थी पहले. हाँ, वो क्रिएटिव फ्रीडम जो है वो थोड़ी खींच ली गई है. तो ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए. तो फिर आदमी ऐसे टुकना, अच्छा इनको क्या चाहिए. हाँ. तो जो डायरेक्टर को जो अच्छा लगेगा, कंपोजर उस हिसाब से काम करने लग जाता है, जो कि बहुत हेल्पफुल चीज नहीं होती. क्योंकि कंपोजर्स जो भी हैं
उनको तो पता ही है कि क्या अच्छा और क्या करेक्ट है, तो वो फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम करने का मौका मिला है और मुझे याद है मैं उनको बोलता था नहीं नहीं ये करेक्ट है, तो वो छोड़ देते थे कि ये सोच के कि नहीं ही नोज बेटा। जैसे मैं कुछ कुछ होता है का पहला गाना जब कर रहा था तो उसमें करण जौहर की पहली पिक्चर थी एंड ऑफ कोर्स ही हैड वर्क्ड हेल ऑफ अ लॉट इन द फिल्म, तो देयर वाज अ रिस्पांसिबिलिटी कि नहीं इस फिल्म में बहुत अच्छा म्यूजिक करना जितना कैपेसिटी है। तो जब मैंने पहला गाना सुनाया था तो वो हमारे पास कुछ होता तो नहीं, एक धुन होती है पहले, वर्ड्स भी नहीं होते हैं, कुछ टूटे फूटे वर्ड्स होते हैं, तो करण ने जो इलेबोरेट किया था कि ये सिचुएशन है और उसके लिए गाना चाहिए, पहला गाना ये करना है, तो मैंने जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैंने जब ट्यून सुनाई तो ही वॉज कन्फ्यूज कि ये ठीक है कि अच्छा भी और ठीक नहीं भी है, मगर ही वॉज नॉट बीइंग ओपन टू से क्योंकि कुछ हिचकिचाहट होगी, तो उन्होंने बोला ये बहुत लंबा नहीं लग रहा है ललित, मैं बोला हाँ लंबा लग रहा है मगर आपके इतने करेक्टर्स हैं इसमें, दो हीरोइनें गा रही हैं उनको इंडिपेंडेंट लाइन देनी है, शाहरुख गा रहा है, अनुपम खेर जी हैं उनकी और पूरा कॉलेज गा रहा है, मुझको कोई मिल गया ये गाना था, तो उसका मुखड़ा सुनाया था तो नेचुरली वो भी गए थे, बट मैंने बोला नहीं लेकिन ये करेक्ट आएगा, तो मैंने इतना बोल दिया तो ही टुक माय वर्ड फॉर इट फॉर द फर्स्ट सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई रिकॉर्डेड द सॉन्ग व्हेन एवरीथिंग वाज रिटन ही डिड कम एंड से कि ललित थैंक यू सो मच दिस इज अ वंडरफुल सॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी, तो उतना बोलना बहुत बड़ी बात है, बट ऑल्सो दैट ही गेव मी दैट फ्रीडम ऑफ कंपोजिंग कि नहीं इफ ही सेइंग कि ठीक है तो लेट मी, ऐसा नहीं कि ही डिड लाइक द सॉन्ग कंप्लीटली, बट थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, इतना बड़ा फिल्म बना रहे थे तो देयर वाज ऑलवेज दैट कि इज इट द बेस्ट सॉन्ग बिकॉज दे वांटेड ऑल द बेस्ट सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स दैट हैड टू बी डिलीवर्ड, तो दैट फ्रीडम आई फील इज मिसिंग एंड दैट इज पुटिंग द कंपोजर इन अ कॉर्नर टू वर्क, सो आई थिंक दैट्स द रीजन दैट। ओके, एट द सेम टाइम मैं अब यहां पर आपसे जानना चाहूंगी, इन दिनों बहुत नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, कभी कोई सिंगल लेकर आते हैं, कभी कोई रियलिटी शो से निकल कर आते हैं, बहुत कम है जो आगे तक जा पाते हैं, आप भी रियलिटी शोज में जा चुके हैं, देख चुके हैं, जज कर चुके हैं, इन सिंगर्स को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर की सोच क्या होती है? देखिए जब जज करते हैं, मैंने वॉइस ऑफ इंडिया किया था, सारे गमा किया था, सारे गमा किया था, सारे गमा पर किया था, तो देखिए जब आप लोग देखते हैं सिंगर्स को तो ये वो गाने गाते हैं नए आर्टिस्ट जो बहुत बार हम सुन चुके हैं, जो बहुत बार उन्होंने याद किया है और प्रोबेबली दे हैव ग्रोन अप विद दोस सॉन्ग्स, तो वो गाने जो होते हैं उसमें वो उनमें जज्ब हो जाते हैं और वो दे आर एबल टू डिलीवर टू अ लेवल ऑफ एक्यूरेसी, मगर उनको कोई फ्रेश गाना गवाया जाए, मैंने बहुत लोगों को ट्राई किया एंड आई एम सॉरी टू से वो जब यहाँ आते हैं और नया गाना गाते हैं और उनको मैं सिखाता हूँ कि गाने में ऐसा ऐसा चाहिए, I don't think so. Till now, I found a singer who is delivered जैसा मुझे चाहिए. So वो वहाँ आके fail हो जाते हैं. तो ये एक चीज़ है, because reality show में जो भी कहें आप बहुत सीखे हुए लोग नहीं आते हैं. जो देखिए अभी आजकल के जो हमने जिन सिंगरों को गवाया उन्होंने बहुत साल मेहनत की, हमने देखा है उनकी मेहनत और हमने ये भी देखा है कि कैसे slowly progress किए हैं. तो आप फट से एकदम नहीं कर सकते unless you have a terrific foundation. वो फाउंडेशन खत्म हो जाती है वंस यू कम इनटू द रियलिटी शो, यू स्टॉप लर्निंग म्यूजिक, यू स्टॉप ग्रोइंग, यू फील यू हैव अराइव्ड, आप आ चुके हैं ऑलरेडी, और वो तारीफ सुन के, क्योंकि हम सबको कहा भी जाता है कि इस गाने में थोड़ी तारीफ कर दीजिए सर, थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी, तो लोग कर भी देते हैं तारीफ, अरे बहुत अच्छा गाया यार, ओरिजिनल से भी अच्छा गाया, कभी कभी इतना भी बोल देते हैं, तो जो बोलते हैं ना जो कच्चे दिमाग का आदमी है तो उसके तो दिमाग में असर करेगा ही, अच्छा मैंने इतना अच्छा गा दिया, अरे यार फिर तो मुझे शुरू हो जाना चाहिए, जो भी दिमाग में होता है वो एक चीज जो है वो मुझे लगता है वो जो और आगे बढ़ सकता था और सीख सकता है वो खत्म हो जाती है, तो जैसे हम लोग अभी भी बैठते हैं, हम लोग अभी भी म्यूजिक सीखते रहते हैं, म्यूजिक में वो भी गर्मा गर्मी भी होती है कि नहीं ऐसा नहीं गा रही है, ये बोलेगी नहीं ऐसा नहीं बनाया, तो वो जो एक प्रोसेस है अपने आप को मानते रहने का वो नॉन स्टॉप और वो रहना ही चाहिए कंटिन्यूस। मैं अपने बेटों को भी बोलता हूँ कि म्यूजिक जो है वो इंसान सीख नहीं सकता, आप उसमें आगे एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो लाइफ लॉन्ग है, आप म्यूजिक तो एक चैप्टर भी नहीं सीख सकते, इतना महान दायरा है, वाइड है, तो ये लोग भी सीखते रहते हैं, ये मुझे भी देखते रहते हैं, मैं सीखता रहता हूँ, मैं कुछ कुछ करता रहता हूँ, तो दिस इज लाइफ फॉर अस। अच्छा मुझे ये बताइए आपको पापा के कौन से गाने बड़े अच्छे लगे बचपन में, कोई याद ना हो अभी तक
जी बिल्कुल, ऐसे काफी गाने हैं डैड के, एंड आई थिंक माय एंड अभी एंटायर सीरीज ऑफ ग्रोइंग अप हैज जस्ट बीन अस डिस्कवरिंग आवर डैड सॉन्ग्स. कभी कभी बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इनको पहले मैंने पूरा पढ़ाई पर छोड़ा था और म्यूजिक इनको इनके टीचर सिखा रहे थे पियानो वगैरह, मगर इनको कभी मैंने ये नहीं बताया कि ये मेरा बना हुआ है, ये म्यूजिक मेरा है. सो एज दे आर ग्रोइंग अप एंड नाउ दैट दे हैव ग्रोन अप, जब ये बाहर घूमते हैं तो उनको मेरे गाने सुनाई देते हैं और इनके फ्रेंड इनको बोलते हैं ये आपके डैड ने बनाया यार क्या गाना है देख सुन, तो ये आके मुझसे पूछते हैं ये गाना आपका बनाया हुआ, तो मैं बोलता हूँ हाँ, अरे ये तो क्लब में बज रहा था. तो मुझे बड़ा मजा आता है कि दे आर रिसर्चिंग इन्होंने क्या क्या कर दिया. जी 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 बिल्कुल. No, but I think जो एक गाना if I have to choose from his list will definitely be पहला नशा. I think that's been the love iconic song for generations and even for us we've had a पहला नशा moment. और ये जी 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 नहीं वो तो उनको पूछते भी हैं आपने कैसे बनाया क्या हुआ what was the पहला खुमार जी बिल्कुल अपनी of course but I think that song will always be very special to me. और वो गाना एक benchmark है for a music composer, for anybody who's. And but I'd like to say one more thing that having said that, I think जो मेरी dad का जो मुझे लगता है जो best गाना है वो अब तक release नहीं हुआ है. उनके काफी सारे गाने हैं जो बिल्कुल हम आके सुनते हैं and I think he's got a lot of oil still in him and he can definitely I think give us a run for the money also in the coming years. बहुत अच्छे गाने हैं डैड के पास इज, और बहुत मुझे आई थिंक एज अ म्यूजिकल अपब्रिंगिंग बहुत ही फुलफिलिंग रही है कि वैसे गाने सुनने का मौका मिला. आई थिंक सो डेफिनेटली दैट टू. आपसे आपका कोई आपने किसी के लिए गाया हो ऐसा कुछ? पापा के सामने मैं ये पूछ रही हूं, पापा मानेंगे तो नहीं? नहीं नहीं. मेरे लिए मेरा फेवरेट गाना डैड का भी पहला नशा होगा. If you ask me anything else, it's of course Chaand Sifarish. But मैं अपने dad को हमेशा एक word बोलता हूँ, call him the creative genius, because not as a son, but as someone who's an avid listener to music, so someone who understands music, so someone who feels that yes, I know what's happening in the process. I always get very intrigued. मैं हमेशा इनसे पूछता हूँ कि ये आपने कैसे किया, ये आपके दिमाग में कैसे आया, आपने ये वो कैसे किया, कुछ इनकी म्यूजिक व्हेन आई लिसन टू इट बहुत अलग साउंड होती है. इवन इन अगर आप हेडफोन में सुनेंगे एक अलग फीलिंग आती है, आप गाड़ी में सुनते हो उसका एक अलग नशा आता है. सो दैट्स समथिंग आई ऑलवेज वांट टू इनकल्केट फ्रॉम हिम कि इन्होंने कैसा किया. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज पार एक्सीलेंस. आई नो दैट नॉट टॉकिंग एज अ सन बट एज समवन हु डज लिसन टू म्यूजिक. सो यस इट्स And as he said, ki dad ke best gaane ab tak bahar nahi aaye, but he has a lot of oil in him. That's one thing I like about. Last word for apne concert ke liye kehna chahenge. Dekhiye, Vijayta ne bhi mujhe interview se pehle bola tha ki bahut oily face lag raha hai. Aur ye word ab maine do baar sun liya. Ye kis type ki tareef hai? So last word agar kuch kehna chahe apne concert. This concert is a celebration of that the work that has happened over the years. Some of the biggest musical movies have been composed and worked by me and Jatin together. And then of course there is Dabang that happened to me, which he said Munni Badnaam Bana, and he said mujhe Filmfare Award mila. Sirf Filmfare nahi, bahut sare award mile. Aur ye sare gaane jo hain उनमें से चुने हुए गाने, क्योंकि सारे तो आ नहीं सकते, मगर बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और हम सब इसको परफॉर्म करने वाले. आई विल बी कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा एंड एवरीथिंग एंड कंडक्टिंग माय सिंगर्स उदित नारायण, अलका याग्निक, साधना सरगम जिन्होंने पहला नशा गाया, विजेता जी जिन्होंने जो जीता वही सिकंदर में गाना गाया जवाहर यारू मोदी जी के साथ, और ममता शर्मा जिन्होंने मुन्नी बदनाम गाया है मेरा गाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, और बाबुल सुप्रियो बहुत ओरिजिनल सिंगर हैं. बाबुल ने बहुत अच्छा गाना गाया था, हम तुम का टाइटल सॉन्ग नॉमिनेट हुए थे उसके लिए. तो वो ये सब गाने हम गाएंगे और बहुत अच्छे, हमारे जावेद अख्तर साहब चीफ गेस्ट हैं उस दिन, और बहुत सारे और भी गेस्ट हैं.
तो एक गैदरिंग है दोस्तों की, मेरे डायरेक्टर्स की, और एक म्यूजिकल मेमोरेबल इवनिंग।